धान खरीदी केंद्र में किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी ने किसान पंचायत शुरू कर दी है। पार्टी किसानों से मिलने के साथ ही धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण भी कर रही है। बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने मोपका में धान खरीदी केंद्र में किसानों से चर्चा से और धान खरीदी केंद्र में सोसाइटी प्रबंधक से भी वहां का हाल जाना है। हालांकि उनको यहां किसी तरह की कोई समस्या नहीं मिली, लेकिन बीजेपी विधायक ने कहा कि कई धान खरीदी केंद्र में बारदाने और टोकन की समस्या है, जिससे किसान परेशान है। धान खुले में रखे हुए हैं, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं है। साथ ही केंद्र कृषि कानून को किसानों को बेहतर बताया, इससे किसानों को फायदा होगा। कानून लाया गया है, उसके बारे में हम जाके सभी किसान भाइयों को बता रहे हैं कि वो जो बिल है किसानों के संरक्षण के लिए है, संवर्धन के लिए है, उनकी आय को बढ़ाने के लिए है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो अभी धान खरीदी चल रहा है, तमाम सोसाइटियों में जो जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, जिससे किसान परेशान है, अलाकान है, टोकन कटाने के नाम पर, बोरी के नाम पर, धान तौल होने के नाम पर।